देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने वाले राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसरो और सोवियत संघ के ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। सोयूज T-11 रूस के अंतरिक्ष अभियान का नाम था और सोयूज T-11 के क्रू ने अंतरिक्ष के एक टेलीविजन कॉन्फ्रेंस भी वहां पर की थी, जिसके जरिए देश ने पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद अपने नागरिक राकेश शर्मा से संवाद किया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, जिसके जवाब में राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा के इन शब्दों ने तब हर भारतीय को गर्व से भर दिया था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। वर्ष 1942 में आज ही के दिन अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने एक प्लास्टिक ऑटोमोबाइल का पेटेंट करवाया था। ये कार उस वक्त मौजूद गाड़ियों की तुलना में 30% हल्की थी। इस गाड़ी का फ्रेम ट्यूबुलर स्टील से बना था, जिसे प्लास्टिक के 14 पैनल्स की मदद से जोड़ा गया। हालांकि प्लास्टिक के मूल तत्वों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस प्लास्टिक को बनाने में सोयाबीन के फाइबर और गेहूं का इस्तेमाल हुआ था, और इस वजह से इस गाड़ी को सोयाबीन कार का नाम भी दिया गया था। वर्ष 1910 में आज ही के दिन दुनिया का पहला पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। अमेरिकी आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट ने पहली बार न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस के से ओपेरा के लाइव परफॉर्मेंस का प्रसारण किया था। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रसारण था और इसी दौरान अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफोन्स नहीं होने की वजह से इस प्रयोग को सफल नहीं माना गया था। हालांकि धीरे धीरे ये कमियां दूर होती गई और रेडियो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। और वर्ष 1930 में आज ही के दिन कॉमिक कैरेक्टर मिकी माउस पहली बार कॉमिक स्ट्रिप में दिखा था। न्यूयॉर्क मिरर नाम अखबार में छपने वाली इस कॉमिक स्ट्रिप की स्क्रिप्ट वॉल्ट डिज्नी लिखते थे। धीरे धीरे मिकी माउस का किरदार बहुत मशहूर हो गया और अगले कुछ ही महीनों में यह कॉमिक स्ट्रिप 22 देशों के 40 अखबारों में छपने लगा। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।